अभी मेरी आवाज आ रही है बच्चों? यस सर। यस सर। अभी हेवली डिस्कनेक्ट हो गया था, उम्मीद खत्म थी। आइए इस न्यूमेरिकल को कंप्लीट कर लेते हैं ना। सो एक्स टेंस टू सी माइनस, और यहाँ पे फैक्टराइजेशन थ्योरम हम लोग लगा सकते हैं। फैक्टराइजेशन करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स सी और प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ से माइनस टू मिल जाएगा ना। और अब आप सी माइनस रखिए तो लिमिट आपको क्या दिखाई पड़ेगा, थ्री सी स्क्वायर माइनस टू दिखाई पड़ रहा। ठीक इसी तरह से आरएचडी कैलकुलेट करेंगे सी प्लस एफ एक्स माइनस एफ सी एक्स माइनस सी, तो यहां पर भी वही जाएगा है ना। एक्स माइनस सी इसमें भी तो लास्ट स्टेप पे भी वही होगा, कोई अंतर नहीं होगा। एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस टू, सो वी आर गेटिंग द सेम लिमिट्स है ना, इसलिए लिखेंगे फॉर हर एक्स सी, फॉर इज देयर फॉर एल एच डी इक्वल टू आर एच डी फॉर ऑल सी दैट बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ऐसे। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस फंक्शन को दिखा दिया कि पूरे इंटरवल में ये डिफरेंशिएबल है। अब अगर हम लोग को फंक्शन का क्लोज्ड इंटरवल में डिफरेंशिएबिलिटी शो करना है डिफरेंशिएबिलिटी ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए से बी, इसका मतलब ये होता है, इसका दो पार्ट है, बेसिकली तीन पार्ट कह सकते हो। पहला चीज तो है कि मस्ट मतलब डिफरेंशिएबल होना चाहिए, फंक्शन शुड बी डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए से बी, और नहीं यहाँ पे इन लिखेंगे, ठीक है, डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए से बी। सेकेंड इसका क्या क्राइटेरिया है कि आर एच डी एट एक्स इक्वल टू ए मस्ट एग्जिस्ट फाइनाइटली, और थर्ड क्राइटेरिया ये है कि एल एच डी एट एक्स इक्वल टू बी मस्ट एग्जिस्ट फाइनाइटली। मतलब क्या है कि कोई अंतर नहीं है पिछले केस से, ये सेम है, सिर्फ इसमें दो पॉइंट और ऐड हो रहे हैं ना, इसकी वजह से थोड़ा डिफरेंस दिखाई पड़ रहा है। जैसे मान लीजिए कि ये मेरा फंक्शन है, ये आपका x इक्वल टू ए है, x इक्वल टू बी है,
हम लोग क्या बोल रहे हैं कि पूरे इंटरवल मतलब ए से लेकर बी तक भी अगर हमको डिफाइन करना है तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, बीच वाले तो सारे पॉइंट आएंगे ही है ना, लेकिन ए पर अगर आप फोकस करो तो फंक्शन एक लेफ्ट में डिफाइंड नहीं है, एक राइट में डिफाइंड है ना, फंक्शन इज डिफाइंड टू द राइट ऑफ ए। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे आर एच डी एट एक्स इक्वल टू ए मस्ट एग्जिस्ट बोल रहे हैं, मतलब एक ही साइड का डिफ्रेंसिबिलिटी होना चाहिए, वन साइडेड डिफरेंसिबिलिटी इसको कहते हैं, मतलब राइट हैंड साइडेड डिफरेंसिबिलिटी ये एग्जिस्ट करना चाहिए। और बी पर भी वैसे ही क्या होना चाहिए, लेफ्ट साइडेड है ना, बी के लेफ्ट में फंक्शन डिफाइन है इसलिए इसके लेफ्ट में डिफरेंसिएबल होना चाहिए। तो अगर ये चीजें होती है तो फिर आप क्या कहोगे कि ये पूरे इंटरवल में क्या हो गया, डिफरेंशियबल हो गया है। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं हम लोग, चूंकि एक और 10 बजे से क्लास है, मैं आप लोग को होम असाइनमेंट सेंड कर दूंगा। ठीक है, और जो लोग लिमिट की प्रैक्टिस नहीं किए हो वो थोड़ी सी लिमिट की प्रैक्टिस कर लेना, ये पूरे चैप्टर में लिमिट ही आएगा, लिमिट या कंटिन्यूटी जो भी कह लो, उसके अलावा कुछ नई चीजें इसमें होती नहीं। ठीक है, आज के लिए इतना ही है, आप लोग काफी सारे न्यूमेरिकल वने वने वगैरह से लगा सकते हो है ना, जो डिफरेंशिएबिलिटी के नाम पर डेडिकेटेड है। हैव अ नाइस डे।